चैनल रुकी माँ। सो ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो करीमा के, ये राक्षस जैसे मॉन्स्टर जैसे नेल्स वो कैसे ग्रो करती है। तो काफी सारे प्रोसेस होते हैं, काफी सारे लोग बहुत प्रोसेस यूज करते हैं, लाइक काफी लोग एसेंशियल ऑयल यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। भी बहुत कुछ करती है, मैं घर जाती हूँ ये लगी रहती है अपने नेल केयर में। मैं भी आपको बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। या फिर काफी लोग ऐसे रब करते हैं, काफी लोग को लगता है कि मेरे रियल नेल्स हैं या एक्सटेंशन हैं, काफी लोग बहुत कंफ्यूजन है। तो मैंने सोचा है कि ये फेक नेल वो है रियल नेल, मॉन्स्टर नेल, मैं इसको मॉन्स्टर नेल बोलते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप सबको मेरा नेल केयर रूटीन, जो मैंने इसको भी बोला कि तू इतनी बार फॉलो करा कर और ये फॉलो ही नहीं करती है। गाइस मैं नेल्स ग्रो करने के लिए बनी ही नहीं हूँ, ये मेरी लिमिट है, इससे थोड़े और ज़्यादा मेरे नेल्स ग्रो कर जाते हैं, बट उसके आगे मैं इनको नहीं मेंटेन कर सकती। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इसमें से क्या क्या यूज़ करती हूँ। तो कैमरा मैन प्लीज़ जूम आइएगा। तो ये है ऑलिव ऑयल और ये है नायका में मिलते हैं ये प्रोडक्ट, लाइक 7-in-1 नेल स्पा एंड रॉक हार्ड आपके नेल हार्ड करने के लिए। तो कैमरा मैन आप बैठ सकते हैं। तो मेरा सीक्रेट है कि मैं इन सब में से कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, सॉरी फॉर द प्रैंक, और बट दिस इज़ द रियलिटी। काफ़ी टेक्स्ट और डीएम्स आते थे तो मैंने इसको बोला कि लाइक मुझे बताना उनको सच में कि ऐसा कुछ भी। मेरे पास आई कहती हम ये यूट्यूब वीडियो शूट करते, कहती बट मैं सच में चाहती थी कि मेरा कोई नेल केयर रूटीन हो जो मैं बता सकूँ, मैं कुछ करती ही नहीं हूँ तो मैं क्या दिखाऊंगी लोगों को। मैंने कहा तो फिर तो बहुत जेन्युइन चीज़ है, हमें उन्हें बताना चाहिए कि कुछ नहीं करती, इसके एवे बढ़ जाते हैं बस, शायद नेल क्वालिटी अच्छी है। नहीं ऐसा भी नहीं था, मैं पूरा बताती हूँ। जब मैं 11-12 में थी ना तब से मुझे क्रेज है लंबे नेल्स रखने का, तब ने मेरे इतनी गंदी बात ये है कि 11-12 से मुझे नेल्स ग्रो करने का बहुत क्रेज था। जब मैं उस समय ग्रो करती थी ना नेल, तो मेरे इतने दिन होते थे वो शेपलेस मुड़ जाते थे, यूँ पूरे फ्लेक्सिबल से थे, मैं खुद काट देती थी, तो मतलब वो हार्डनेस ही नहीं थी। वो कहते हैं विद टाइम आप ग्रो करते जाओ, काटते जाओ, करते जाओ, काटते जाओ, आपको खुद हैबिट हो जाएगी जब आपके इतने लंबे नेल्स काम करने हैं। मैं इसके मैं चाहूंगी कि पिक्चर स्क्रीन पर शो कर सके, जब हम लोग सिंगापुर गए थे इसके हमारे एक्सपायर होने से पहले की वो पिक्चर्स है, इसके इतने लंबे लंबे नेल्स हो गए। मैं इसको इतनी बार बोल चुकी हूँ तो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के लिए क्यों नहीं वर्क करती अपने लॉन्गेस्ट नेल्स। अरे उस समय खुद को नहीं पता चलता ना कि आपके कितने लंबे नेल्स हुए। इस बार भी स्नैपचैट की फैमिली ने इतना टेक्स्ट करा कि मैम बहुत लंबे हो गए काट लो। तो घर पे मुझे सब इसको बार बार लाइक बोलते ना रहे ना कि काटती नहीं है। और एक सेकंड और बताती हूँ, इसका एक नेल टूट गया है, वीडियो शूट करने के लिए फेविक से चिपका है, वही कुछ नहीं करती है। मैं सीरियसली कुछ भी नहीं करती हूँ। लाइक पहले जब हम जिम जाते थे लाइक लॉकडाउन से पहले, तब मेरे नेल्स लंबे नहीं होते थे कभी भी, हार्डली थोड़े से बड़े होते थे क्योंकि टूट जाते थे वो। अब जिम नहीं जा रही हूँ तो क्या है, पूरे लॉकडाउन का असर है इतने लंबे लंबे नेल्स। और मैंने हमेशा देखा जब लंबे नेल हो जाते हो बीच में से मैं उन्हें कट कर देती हूँ ना, उसके बाद में उनकी स्ट्रेंथ कह रहा हूँ या कुछ कह रहा हूँ बहुत वीक हो जाते हैं। और अभी भी मेरा एक नेल टूट चुका है, बहुत हल्का सा साइड से क्रैक है, तो मैंने उसमें फेविक्विक लगाया है। मुझे मेरे को बिल्कुल काटने का मन नहीं कि मैं एक नेल काटूँ मैं एक नेल काटूँ और ट्रोल हो जाऊँ, या फिर मैं सारे नेल कट करूँगी। सारे कट कर लेने चाहिए थे, लंबे नेल्स मत रखा करो, वो हाइजीनिक होते हैं। आपको मेरे नेल रखा करो, आपको मेरे नेल अच्छे नहीं लगते, हाँ या ना प्लीज कमेंट में बताना, तो मैं इसको पढ़वा सकूँगा। प्लीज मुझे पता जितनी गर्ल्स देख रही हूँ मेरे लिए तो कमेंट कर ही देंगी ना कि दीदी आपके नेल्स अच्छे हैं, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा नहीं अच्छे लगते हैं मेरे, सर मैं मेंटेन नहीं कर पाती हूँ, तो उसी के लिए मैं इनफेक्ट आज अपनी नेल पेंट में चेंज करने वाली थी, वो मैंने चेंज नहीं की। तो हम भी कहीं जाने वाले हैं, जाने वाले हैं कहीं। यस मुझे लगा कहीं बोल दे कहाँ क्या कैसे, तो मैं अच्छा नहीं, तो मैं थोड़ा सरप्राइज भी रखता है। इनके साथ इतना प्रैंक हो चुका है कि इनको लगा होगा मैं सच में कुछ नेल केयर करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, सीरियसली नहीं करती हूँ। नेल्स के नेचुरली बढ़ जाते हैं, नेचुरली बढ़ जाते, थोड़ा बहुत उनको नेल फाइल कर लिया, शेप दे दी, नेल पेंट्स लगा दी, बस उतना करते हैं। बस नेल कटर तो मैं बहुत रेयर यूज करती हूँ कट करने के, बस यही यूज करती हूँ, बाकी कुछ नहीं। बाकी आप ध्यान रखो अपने नेल्स लंबे करो, विद टाइम अच्छे हो जाएंगे आपके नेल्स। तो चलो एक सरप्राइज के लिए हम चले, हाँ चलो चलते।
हाय गाइस, तो हम आ चुके हैं इसके सरप्राइज के लिए। तो वो है नेल एक्सटेंशन के लिए हम लोग आए हैं। मैं फर्स्ट टाइम एक्सटेंशंस करवाने वाली हूँ। मैंने कभी नेल्स के लिए कुछ किया नहीं है, एक्सटेंशंस तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत नर्वस हूँ। इसका कहना है मैं आपको बाद में बताऊँगी, मेरे को तो ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा कि तू पहले एक्सटेंशंस करवा ले, उसके बाद मैं देखूँगी, क्योंकि मेरा नेल ऑलरेडी टूट चुका है। तो देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे लगता है कि वो शायद नेल एक्सटेंशन में आपका नेल रूट से तो नहीं निकल जाता। मैं उस चीज़ को लेके बहुत डरी हुई हूँ भाई। पागल है ये। चलो हम स्टार्ट करते हैं। नर्वस है, आप स्माइल कर रही हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हो? नर्वसनेस इसके फेस पे। इसने कलर चूज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है और मैंने जो कलर पसंद करा है ये वो ही करवा रही है। और एक और चीज़, मैं आज सिर्फ अपने एक ही हैंड पे करा रही हूँ, बिकॉज मैं इतनी नर्वस हूँ। एक्चुअली उन्होंने बोला है कि अगर आपने कभी पहले नहीं करवाया तो आप एक हैंड पे करवा लो, जिससे आपको थोड़ी हैबिट हो जाए उसको कैरी करने की। फिर एक दो दिन बाद आप दूसरे हाथ पे भी करवा लेना। और ये तो इसकी फटी पड़ी है। मैंने कभी नेल्स भी ज़्यादा लंबे नहीं किए हैं, तो एक्सटेंशंस कैरी करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि यही मेरे लिए ठीक रहेगा कि मैं आज सिर्फ एक हाथ पे कराऊँ। ये फुल टेंशन में, इसको बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों इसको डर लग रहा है। रो मत जाइयो, लड़कियों को नेल्स भी बढ़ाने हैं। नहीं बढ़ाने। मुझे चुड़ैल बोलती है ना ये, इसके आप नेल्स कटी मत करना। और आप इसके इतने नेल्स रहन देना, मजा आएगा। इसको चुड़ैल उनकी बोलूंगी। इतने लंबे नेल्स चाहिए? कमेंट से बताओ। मैंने कर लिया है सब कुछ। सब कुछ मैंने करी, मैं कुछ छोड़ा। यू डिसाइड क्या क्या करना है। सो मेरा एक हाथ, मतलब एक हाथ पे मेरे ऑलमोस्ट हो गया है। मैं अभी दूसरे पे नहीं करवा रही हूँ, बिकॉज मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ मैं ये कैरी कर पाऊँगी या नहीं। मैंने कभी लंबे नेल्स भी कैरी नहीं किए, तो एक्सटेंशन एकदम से हो सकता है मैं कैरी ना कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं आज सिर्फ एक हाथ पे करा रही हूँ। दो दिन बाद अगर मुझे लगा कंफर्टेबल तो मैं दूसरे हाथ पे भी करवा लूँगी। एंड प्लस मैंने बहुत बेसिक और बहुत सटल सा कलर चूज़ किया है, जो मैं मेरे सारे आउटफिट्स पर चला जाए। एंड मैंने कोई एसेसरी अभी कैरी नहीं की है, बिकॉज एक्सटेंशंस ये वो, फिर उसके ऊपर एसेसरी, तो मैं अभी वो भी होल्ड पे लेके, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं दो तीन दिन बाद आके करवा लूँगी। क्यों करी मैं? राइट, मैंने सब कुछ बोला है ये, और इसने से रिपीट कर दिया सारी बातें। और ऑलमोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हो ये फाइनल है। दिस इज द फाइनल लुक। होप यू गाइस लाइक दिस। होपफुली आपको ये अच्छे लगा हो, ये कलर्स अच्छे लगे हो। अभी मेरी सिर्फ एक ही हाथ पे हुआ, मैंने रीजंस बताए क्यों। मेरे को चुड़ैल बोलती थी, चुड़ैल बन गई है। बट यार रियल वर्सेस एक्सटेंशंस गरिमा बहुत है इसके नेल्स में कुछ दम। आखिरकार मान ही गई है मेरे मेरे को क्या बोलती है चुड़ैल, अब ये भी खुद चुड़ैल बन गई। मैं खुद इनको मॉन्स्टर नेल्स बोलती हूँ, ये मॉन्स्टर नेल्स ही होते हैं। ये मॉन्स्टर नेल्स हैं तेरे भी, अब मेरे भी हो गए हैं। यस, तो आपको पता चल गया होगा मेरा नेल केयर रूटीन के बारे में, और इसका जो भी एक्सटेंशंस हुआ है उसका सारे प्रोसेस के बारे में। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।